नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीम्स को। देखिए, मेरे साथ हैं अदिति, पटना की बेटी हैं और फिल्मों में उभरती हुई अदाकारा हैं और इनकी चर्चा इधर के दिनों में बहुत तेज है क्योंकि यह वेब सीरीज बनी रंगबाज, जो इंडिया के 90 के दशक के सबसे बड़े गैंगस्टर शिवप्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर आधारित थी। फिर से हम कहने अदिति का स्वागत करते हुए कि मैं फिल्मों का पत्रकार नहीं हूँ, मैंने पिछले कई सालों से फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने श्री प्रकाश शुक्ला को करीब से देखा है, जिंदा। श्री प्रकाश शुक्ला इनकाउंटर में गाजियाबाद में मारा गया था, लेकिन उसके पहले मुझे याद है कि जब 13 जून 1998 को पटना के IGIMS कैंपस में श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की थी, तब उसने हत्या के तुरंत बाद मुझे फोन किया था कि ब्रज बिहारी प्रसाद को मैंने मार डाला। और आप पता कर लीजिए, सच ये है कि तब पुलिस को भी खबर नहीं थी, शास्त्री नगर के इलाके में IGIMS आता था, मैं तब के दिनों में आज अखबार में क्राइम रिपोर्टर था, कि पुलिस को भी खबर नहीं थी कि ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई है। मुझे यह जानकारी स्वयं हत्या करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने दी थी। और इतना ही नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला ने एक दिन पहले मतलब 12 जून 1998 को जब वह पटना आया था तब मुझसे मिला था। मुझे इस बात की खबर बिल्कुल नहीं थी कि वह इतनी बड़ी वारदात कर सकता है, क्योंकि IGIMS कैंपस में ब्रज बिहारी प्रसाद के साथ 23 कमांडोज रहते थे, लेकिन कुछ न कुछ वह करेगा इसकी खबर हमें थी। इसीलिए आज अखबार के पन्ने पर 13 जून 1998 को जिस दिन ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई यह खबर छपी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला पटना में है और कोई बड़ी वारदात कर सकता है। इस खबर के आधार पर ही ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुझे CBI ने विटनेस बना लिया था। खैर, ये पुरानी बातें हैं। आगे श्री प्रकाश शुक्ला से मेरी मुलाकात कैसे हुई, मैंने ही जिसके लिए पूरे देश में पहली SIT बनी, STF स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ का स्पेशल टास्क फोर्स पहला टास्क फोर्स है देश का जो श्री प्रकाश शुक्ला को दबोचने के लिए बनी थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी क्या थी? श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी जो अपराध की जिंदगी है, उसके गैंगस्टर बनने की जिंदगी है, वह उसकी बहन की कहानी के साथ शुरू होती है। और अदिति जो आज हमारे साथ हैं वह श्री प्रकाश शुक्ला की बहन है, सच की नहीं फिल्मों की बहन है, मतलब जो फिल्म आई रंगबाज वेब सीरीज में। तो अदिति शरण का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। और इसके साथ ही हम यह जानना चाहते हैं अदिति शरण से, जो पटना में पली बढ़ी है, कि अदिति शरण जी, आपने श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में क्या सुना और फिर कैसे तैयार हो गई फिल्म बनाने को? मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं। नहीं, जब मैं एक्चुअली ऑडिशन कर रही थी बॉम्बे में इस कैरेक्टर के लिए, तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि शिव प्रकाश शुक्ला है कौन। तो फिर मैंने मेरी जो टीम थी जो ऑडिशन ले रही थी उनको मैंने बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, क्योंकि कैरेक्टर को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है और फिर आप अच्छे से उसे डिस्प्ले कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, कुछ टाइम मैंने पढ़ा और मैं शॉक्ड थी, उन समवेयर और द अदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। हाँ, उनकी बीइंग अ गैंगस्टर उनकी फैन फॉलोइंग थी, ही वॉज गुड लुकिंग और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी न्यूज़ पे, बंदा स्मार्ट था। हाँ, कि वो गुड लुकिंग है, वो अपनी बहन के लिए गैंगस्टर बने एंड और उन बहन की वजह से पहली बार क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब क्रिमिनल बनना और उस चीज़ को करना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं उनकी बहन का रोल प्ले करने वाली थी, तो मुझे उसे सही तरीके से जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने उनके बारे में बैकग्राउंड पूरा पढ़ा और उसके बाद ऑडिशन दिए। मे बी उसकी वजह से मैं शायद रोल के लिए फिट भी थी। अदिति, आप ये बताओ कि मैंने आपको श्री प्रकाश की बहन मान लिया, जो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, जिसके बारे में कहा गया कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ले ली। खैर, इसके बारे में कई कहानियां हैं। उसने वीरेंद्र शाही की हत्या की, उसने हरिशंकर तिवारी पर गोलियां बरसाई, उसने उपेंद्र विक्रम सिंह की हत्या की लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर। तो ऐसे भाई के लिए आप बहन बनी और आपके लिए श्री प्रकाश शुक्ला गैंगस्टर बन गया, क्या कहानी थी? गोरखपुर में क्या हुआ था कि श्री प्रकाश शुक्ला को गैंगस्टर बनना पड़ा? मैं तो सुनाऊंगा ही, लेकिन आपने जो रोल अदा किया है वह बताइए मुझे।
सो हम बेसिकली एक पंडित फैमिली से रहते हैं. पंडित फैमिली से गोरखपुर की एक फैमिली रहती है. मेरा बड़ा भाई है जो मुझे बहुत मानता है. जी जी. वैसी फैमिली शिव प्रकाश शुक्ला जो मुझे बहुत मानते हैं और मेरे लिए पैसे छोड़ के जाते थे कॉलेज जाने से पहले और सारी चीज़ें जो अच्छी भाई बहन की बॉन्डिंग होती है वो वैसी सी बॉन्डिंग थी. पर एक इंसिडेंट होता है जहाँ मुझे छेड़ दिया जाता है और फिर कौन छेड़ता है, कहाँ छेड़ता है, कैसे छेड़ देता है. मैं कॉलेज से वापस आ रही होती हूँ और साथ में प्रकाश की गर्लफ्रेंड भी थी. नहीं तब नहीं थी वो. तब नहीं थी. तब अच्छा. नहीं थी वो मेरे साथ. पर जब मैं अकेले वापस आ रही होती हूँ और कुछ ऐसे लफंगे होते हैं थोड़े बहुत ऐसे रोड के साइड पे, उनमें से किसी ने छेड़ दिया मुझे जो अननोइंगली किसी और गैंगस्टर का मेंबर निकला जिसे मेरे भाई ने मार दिया था. अच्छा. वैसा था. मतलब आपको छेड़ने के पहले भी आपका भाई जो आपके छेड़ने पर आपको छेड़े जाने पर गुस्सा हो गया उसके पहले भी आपके भाई ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था कि हम मान रही हैं. नहीं रखा था. वो बहुत क्लीन अपनी दोस्तों में रहता था. उसकी गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था. वो वैसे ही से थे. उसकी गर्लफ्रेंड तो आपकी दोस्त भी थी. हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. अच्छा तो फिर क्या हुआ, क्या आपने बता दिया श्री प्रकाश को जो इतना गुस्सा आ गया. एक्चुअली मैंने तो नहीं बताया, उन्हें पता चल गया और वो घर आए गुस्से में. कोई भी भाई है जो रिएक्ट करेगा. अच्छा. अगर उसकी बहन को छेड़ा जाएगा. हाँ. और प्रोटेक्शन में भाई से कुछ ज्यादा हो गया. भाई ने गलती से वो चीज उस भाई ने तो सीधा मार ही दिया. पर वो गलती से गलती हो गई. गलती से शुरुआत हुई. अच्छा. पर फिर उनका चॉइस था, उन्होंने चुना ही उस फील्ड में रहना. तो श्री प्रकाश की बहन कह रही हैं, फिल्मों में श्री प्रकाश की बहन कर रही हैं, जो फिल्मों में श्री प्रकाश की बहन अदिति वहां इन्होंने अपना रोल किया है श्वेता के नाम से. हाँ जी. ये कह रही हैं कि हाँ मेरे भाई ने उसे मार डाला जिसने मुझे छेड़ा था. इसके बाद क्या हुआ अदिति. पर ऑब्वियसली वो सही नहीं है, वो चीज़ गलत थी जो उन्होंने की. पर जानबूझ के नहीं की थी, वो हमने दिखाया है फिल्म में कि वो गलती से हुई. पर उसके बाद जो चॉइसेस थी उनके पास वो उन्होंने गलत ली. अच्छा. कि वो बैंकॉक गए और बैंकॉक में तो रेसलिंग कर रहे थे, पहलवानी कर रहे थे. हाँ मतलब पर वो कुछ टाइम तक तो उस ट्रॉमा में थे ना, क्योंकि वो पहले से तो बिना पासपोर्ट और वीजा के चले गए थे. तो वो तिवारी जी ने भेजा था ना. तिवारी जी ने भेजा था. अच्छा गोरखपुर वाले तिवारी जी ने. मेरे फिल्म वाले तिवारी जी ने भेजा था. फिल्म वाले तिवारी जी ने भेजा था. अच्छा तो फिर वो तो काफी दिनों तक वहाँ बैंकॉक में रहे, मतलब श्री प्रकाश बैंकॉक में रहा. बैंकॉक से जब वापसी हुई तो फिर क्या हुआ, तिवारी जी से ही पंगा हो गया. अब वो फिल्म में तो यही दिखाया है कि तिवारी जी से पंगा हो जाता है क्योंकि वो चंद्रभान सिंह की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने लगते हैं. समझिए चंद्रभान सिंह जो किरदार हैं वह बिहार के एक बाहुबली नेता का नाम है. यहाँ नाम बदला गया है, जिसे श्री प्रकाश शुक्ला अपना गॉडफादर मानता था और जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को देश का बड़ा गैंगस्टर बनाने में एक रोल मॉडल, मतलब आप क्या कहें, गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड में उसने बड़ी भूमिका निभाई. और चंद्रभान सिंह उन्हें दिखाया गया है फिल्मों में, जो वेब सीरीज बनी है रंगबाज उसमें दिखाया गया है. तो रंगबाज में जो चंद्रभान सिंह है वो बिहार के रहने वाले हैं. और जब से चंद्रभान सिंह से दोस्ती हुई गोरखपुर वाले तिवारी जी से श्री प्रकाश का पंगा हो गया. क्या रीति, फिल्म में तो ये दिखाया है. फिल्म में ही दिखाया है ना. हाँ जी. लेकिन इसके बाद तो वीरेंद्र शाही को मार डाला. वो तो सुपारी मिली और चीजें करनी थी वही. तो मतलब आप मान रहे हैं कि आपके भाई ने सुपारी किलिंग शुरू कर दी. पर मैं वही बोल रही हूँ आपको कि उन्होंने जब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो फील्ड चुना उन्होंने वो गलत था. गलत था वो, डेफिनेटली गलत था. था. तो उसके बाद जो उनके चॉइसेस रहे उसमें आपने कभी मना नहीं किया. वो घर नहीं आते थे. घर नहीं आते थे तो वो हमसे कट ऑफ थे. हम मना करते भी तो वो ऑलरेडी इस चीज में इतना घुस चुके थे कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे. तो आपने कभी फोन पर भी बात करने की कोशिश नहीं करी. हमने समझाया. ऑब्वियसली समझाया. पर अब जो उनकी चॉइस थी उन्हें करना था वो उन्होंने वो किया. तो श्री प्रकाश अपने रास्ते आगे बढ़ चले और फिर जो अपराध की कथा जो लिखी जाने लगी वह पूरे भारत को झकझोरने वाली थी. मतलब बिहार और यूपी में इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया था श्री प्रकाश शुक्ला को कि देश में पहला एसटीएफ यूपी में बना जिसके हेड बनाए गए अरुण कुमार तब सीनियर एसपी थे, लखनऊ के, बिहार के ही रहने वाले हैं दरभंगा के, और अभी भारत सरकार में डीजी हैं. और सत्येंद्र वीर सिंह उसके एसटीएफ के डिप्टी चीफ बने जिन्होंने बाद में इनकाउंटर भी किया. और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि सिर्फ एसटीएफ ही नहीं बना, लखनऊ की एसटीएफ को
जहाज दिए गए शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए। लखनऊ की एसटीएफ में जो शामिल लोग थे उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला कहां डरने वाला था, क्यों नहीं डरता था आपका भाई? अब वो तो मुझे भी नहीं पता है कि क्यों नहीं डरता था भाई, हम बहुत डरते थे। आप बहुत डरते थे, उसके कारण तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ी होगी। पर भाई वो ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते, पुलिस तो परेशान करती होगी। करती थी, अब फिल्म में तो दिखाया है कि हमें परेशान किया जाता था, अब उनकी एक्चुअल फैमिली को कितना किया है हमें नहीं पता है, पर अच्छा। फिल्म में तो हमें मेरी शादी तक रोक दी उन्होंने। अच्छा आप बताइए, शिव प्रकाश की बहन कह रही है कि जो अपराध का रास्ता चुना शिव प्रकाश शुक्ला ने, इस कारण बहन की शादी, उस बहन की शादी जिसे छेड़ने पर शिव प्रकाश शुक्ला ने किसी को मार डाला था, उसे रोक दिया गया। आगे तो आपके भाई ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली, पता है आपको? हाँ पता चला था, पर मुझे नहीं लगता वो सच था। अच्छा आपको नहीं लगता है वो सच था? नहीं। अच्छा मतलब भाई पर इतना प्यार, इतना भरोसा? हाँ पर मुझे नहीं लगता वो ऐसी स्टूपिडिटी करेंगे। लेकिन तो आपके भाई ने पटना में आकर मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। हाँ की तो सही थी, पर अब देखिए कहानी ये थी कि जिस चंद्रभान सिंह का नाम फिल्म रंगबाज में आया, चंद्रभान सिंह को पुलिस की गोली पैर में लगी थी और पैर सर रहा था, इस कारण कहानी कुछ ऐसी बनी कि चंद्रभान सिंह पुलिस के जिम्मे सुरक्षित हुए, वे ताश खेलते हुए पकड़े गए। पहले किसी को पता ही नहीं चला कि जो पकड़ा गया शख्स है बिहार शरीफ में वह चंद्रभान सिंह है। जब वह जेल सुरक्षित पहुंच गया तब मालूम हुआ कि चंद्रभान सिंह है। और बिहार में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई चल रही थी, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई ब्रज बिहारी प्रसाद वर्सेस अन्य की थी, तो जो चंद्रभान सिंह उसे लीड कर रहे थे शिव प्रकाश शुक्ला उसका मुख्य शूटर था। तो कहा यह जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने जेल में कुछ ऐसी व्यवस्था कराई थी कि चंद्रभान सिंह की मौत जहर से होनी थी, मतलब जेल में ऐसी व्यवस्था पटना के बेऊर जेल में हो चुकी थी। और यह बात जब शिव प्रकाश शुक्ला को मालूम हुई कि उसके गॉड फादर को मारने का प्लान किया जा चुका है, तो शिव प्रकाश शुक्ला से रहा नहीं गया और फिर उसने ICIMS में 23 कमांडोज के रहते ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। और उसने फोन कर अखबारों को, मुझे याद है मुझे फोन किया था, तब पटना में सिर्फ उषा फोन का मोबाइल सेंटर था, और उसने कहा कि हाँ मैंने ब्रज बिहारी प्रसाद को मार डाला है। तो आपका भाई तो इतना डेयरिंग था आदिति? हाँ शिव प्रकाश शुक्ला डेयरिंग थे और श्वेता उसकी बहन बहुत केयर करती थी उनका, पर बीइंग आदिति मुझे नहीं लगता वो चीज़ें सही थी जो उन्होंने की। अच्छा आपको लगा कि जो उन्होंने की वो अच्छी बात नहीं थी? ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन फिर दिल्ली में गर्लफ्रेंड आ जाती है जिंदगी में। हाँ और फिर क्या होता है वो भी कुछ पता है आपको? गर्लफ्रेंड तो सबकी रहती हैं, पर हाँ लेकिन एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, अब मुझे नहीं पता है कि जो एक्चुअल लाइफ में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्हें पता था स्टार्ट में कि नहीं कि वो गर्लफ्रेंड, उनका जो बॉयफ्रेंड है वो गैंगस्टर है कि नहीं है। अच्छा पर मे बी हाँ चीज़ें शुरू हो गई हों और बाद में पता चले तो डिफ़िकल्ट हो जाता है छोड़ना। अच्छा रीति बताओ, अपने भाई की जब मुठभेड़ में मौत हुई तब खबर कैसे लगी? फिल्म रंगबाज में तो आपने बताया होगा। हाँ तो मेरी एक्चुअली मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है जो हमने फिल्म में दिखाया है। जी जी। और मेरे पापा को पता चलता है कि भाई का एनकाउंटर हो गया है। अच्छा तो वो हमें जब पता चलता है वो पार्ट उन्होंने दिखाया नहीं है, पर देयर वाज दिस टाइम जब वो सीन हम शूट कर रहे थे और साकिब वॉज नॉट देयर और हम शूट कर रहे थे और मुझे बताया गया कि एनकाउंटर हो जाना है। अच्छा इट वॉज एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं वो 15-20 दिन जब मैं शूट कर रही थी वो एक्चुअली मैं श्वेता प्ले कर रही थी। जी जी शिव प्रकाश की बहन। हाँ शिव प्रकाश की बहन प्ले कर रही थी, जहाँ पे मैं सच में उसे भैया मान रही थी। अच्छा। और वैसा टर्म्स था, मम्मी पापा थे, तो हमने वो एक्चुअल फैमिली बना ली थी वहाँ पे, और वो इतना अटैचिंग था, इतना अटैचमेंट था उस जगह पे कि जब वो एनकाउंटर की बात सुनती तो मुझे जेन्युइनली बहुत रोना आ रहा था कि शिट माय ब्रदर डाइड। भाई को आपने राखी बांधी कभी ऑन सेट? हाँ नहीं, पर भाई से पैसे लिए, भाई को कंप्लेन किया, भाई को सुबह जाके उठाया, गुस्सा किया, वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं एक्चुअली में मेरे भाई से करती हूँ। अच्छा वो चीज़ें थी। अब देखिए फिल्म में ये दिखाया गया कि रंगबाज फिल्म जो वेब सीरीज बनी कि जिस दिन शिव प्रकाश की बहन की मेहंदी हो रही है उसी दिन उसका इनकाउंटर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि गम का वह कैसा माहौल बना होगा। तो शिव प्रकाश शुक्ला का अंत होता है कि इनकाउंटर से, और शिव प्रकाश शुक्ला अपराध की अनंत कथा को लिख कर चला जाता है, जिसके
बारे में जितनी कहानियां हैं उतनी कहानियां हैं। रेलवे के ठेकों पर उसने कब्जा कर लिया था, उसने क्या क्या नहीं किया। वह कहा करता था कि जिसे मैंने चाहा उसे मार डाला, जिसे मैंने चाहा उसे खत्म कर डाला। तो यह शिवप्रकाश शुक्ला, आगे उसकी बहुत लंबी योजना थी, प्लानिंग थी, बिहार और यूपी के ताल्लुकात उसके बहुत गहरे थे। तो अदिति, ये तो शिवप्रकाश शुक्ला की बात रही, आगे आप क्या कर रही हैं फिल्मों में? अभी आगे सफ़र जारी है, अभी तो शुरुआत की है मैंने, मुझे हार्डली एक साल हुआ है बॉम्बे गए हुए, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें की हैं। अभी फ़िलहाल मेरी 8 मार्च को फिल्म आ रही है, अच्छा। इश्शी राजू करके, हाँ। उसमें मैं लीड कर रही हूँ, तो आप भी ज़रूर देखना जाके, रोमांटिक कॉमेडी है, यूथ फिल्म है, अच्छा, अच्छी सी। अच्छा, आप तो आप मुंबई में रहती हैं, पटना की कुछ यादों को शेयर कीजिए। पटना में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ी 5वीं क्लास तक, फिर आप रांची चली गई, फिर सम्बोसिस पुणे में चली गई। पटना कैसा लगता है जब आप घर वापसी आती है? मुझे किधर भी घूम लो, कितनी जगह भी जा लो, पर घर घर होता है। घर घर होता है। पटना सिटी के किस मोहल्ले में घर है आपका? मेहंदीगंज। मेहंदीगंज, हाँ जी। तो बताइए, मेहंदीगंज की अदिति आज फिल्मों में एक नई भूमिका और फिल्मों में एक नई किरदार के रूप में आगे बढ़ रही हैं, इनके लिए हम सभी लोग शुभकामनाएं दें कि ये तरक्की करें, आगे बढ़ें और बिहार का नाम रोशन करें। आज के इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी मिलेंगे अदिति से और इनके नए मुकाम पर, नई उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।